लेकिन एक दूसरा गठबंधन, वहां पर भी सीटों को लेकर अभी तनातनी बनी हुई। बात हम कांग्रेस और एनसीपी की कर रहे हैं क्योंकि वहां सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच वहां पर भी घमासान जारी है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीट बंटवारे पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। कांग्रेस एनसीपी को 124 से 130 सीटों तक देने को तैयार है लेकिन एनसीपी और ज्यादा सीटें मांग रही है। 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने एनसीपी को 119 सीटें दी थी। इस बीच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कह दिया है कि अपना चुनाव लड़ने का फैसला वो खुद करेंगे। उन्होंने कहा है कि उनके लिए किसी सुरक्षित सीट की जरूरत नहीं है। चौहान ने कहा है कि अगर कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सत्ता में लौटा तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे। एनसीपी के साथ 90 से 75 फीसदी सीटों तक सहमति बन चुकी है। थोड़ी सी सीटें हैं जिनका जिनको लेकर मतभेद है, दूर कर लिया जाएगा। हमारा एनसीपी से अलायंस है, अच्छा अलायंस है, सुदृढ़ अलायंस है। आदरणीय शरद पवार जी और आदरणीय सोनिया जी के बीच में एक मीटिंग हुई थी कुछ समय पहले, निकल के दोनों ने कहा कि गठबंधन रहेगा और हम लोग सांप्रदायिक ताकतों का और दक्षिणपंथी ताकतों का और बीजेपी जैसी बिल्कुल पूंजीवादी को समर्थन करने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर हम लोग लड़ेंगे और वैसी स्थिति रहेगी।